अगर कोई नाई से दाढ़ी कटवाए और दाढ़ी कटवाए या फ्रेंच कट कटवाए तो क्या नाई की कमाई हराम होगी? और अगर नाई इंग्लैंड में गैर मुस्लिम की दाढ़ी काटता हो तो क्या हुक्म होगा? जमान साहब पाकिस्तान से। किसी की भी दाढ़ी काटता है ना अगर नाई, तो उसकी आमदन हराम है। तो चूंकि नाई दोनों काम कर रहे होते हैं, कुछ जायज भी कुछ नाजायज भी, बाल भी काट रहे होते हैं, जो जायज अमल है दाढ़ी भी काट रहे होते हैं, तो फिर देखा जाएगा नाई की ज्यादा आमदन क्या है। अगर ज्यादातर वो दाढ़ी काटने का चाहे, दाढ़ी में शेव करना भी दाखिल है और एक मुट्ठी से कम काटना भी दाखिल है, तो अगर ये काम नाई कर रहा है तो उसकी आमदन हराम होगी। यानी गालिब यानी दाढ़ी काटने की तो बहरहाल हराम है, लेकिन दूसरे आदमी के लिए हुक्म ये होगा कि देखा जाएगा कि इसकी आमदन में हलाल ज्यादा है या हराम। ज्यादा काम अगर नाई हलाल से कमा रहा है तो थर्ड पर्सन के लिए नाई से मामला जायज होंगे। अगर नाई का ज्यादा काम हराम है, ज्यादातर दाढ़ी काटने का अमल कर रहा है, तो फिर थर्ड पर्सन के लिए नाई से माली लेन देन ये जायज नहीं होगा।